वर्क पॉलिटिक्स होती क्या है, कोई बता सकता है? कभी कोई ना कोई पॉलिटिकल चीज हो जाती होगी, कभी कोई डिसएग्रीमेंट हो जाती होगी कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ। तो बेसिकली वर्क पॉलिटिक्स होती है कि जब कोई भी सोशल नेटवर्किंग यूज करते हुए या कोई भी अपना पावर या इन्फ्लुएंस यूज करते हुए किसी और को मैन्युपुलेट करना चाहता है, दैट हैज टू डू विद वर्क पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे यूजुअली जो मैन्युपुलेटर होता है वो हमेशा जो है वो आगे निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम देयर बॉस और फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स। और जो एक अच्छा मैनिपुलेटर होता है वो एक अच्छा लीडर भी बन पाता है। तो वर्क पॉलिटिक्स जो है वो लोग सोचते हैं कि बड़ी नेगेटिव चीज है, लेकिन इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड वेपन फॉर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई मिड लेवल का या सीनियर एम्प्लॉय भी होता है, उसकी भी कोशिश ये होती है कि दे एस्पायर टू कम इन द लाइम लाइट वेरी क्विकली एंड दे डोंट वॉन्ट टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड गो थ्रू द ग्राइंडिंग एंड फॉलो जो ऑब्स्टिकल्स आए उसको किस तरीके से ओवरकम करें, प्रोसेस के साथ साथ उनको फॉलो करें। तो ये एक इशू होता है कि एम्प्लॉयज वॉन्ट के भाई जल्दी उनको सक्सेस मिले, जल्दी ग्रोथ मिल जाए। दूसरी रीजन ये होती है कि लोगों की एस्पिरेशंस ये भी होती हैं कि वो जल्द से मतलब कम टाइम के अंदर जो है मेहनत कम करें और बेनिफिट ज्यादा लेने ऑर्गेनाइजेशन से। थर्ड ये पॉइंट है कि ये पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो है सुपरविजन अगर कम हो या अगर मैनेजमेंट का कंट्रोल कम हो। फोर्थ पॉइंट, बिकॉज ऑफ गॉसिप्स, रूमर्स और इस तरह की जब आपस में लोग बात करते हैं पॉलिटिकल बातें, कि जब लोग एक दूसरे से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि बॉस ने तुमको क्या बोला, मुझे तो ये बोला था, तुम्हें ये क्यों बोला, तुम्हें क्यों फेवरेटिज्म की वजह से भी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इट्स बिकॉज जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी एरोगेंस की वजह से भी पॉलिटिक्स हो जाती है कि वो अपनी पोजिशन की कॉम्प्लेक्स के आ जाते हैं कि मैं अपने जूनियर को इतना ज्यादा ना सिखाऊं कि वो मेरी पोजीशन ले ले। तो आपस में जूनियर और सीनियर की पॉलिटिक्स हो जाती है क्योंकि वो अपना लोड देना नहीं चाह रहा और जो जूनियर है दे आर वेरी पैशनेट कि वो आगे सीखे और वो पोजीशन आगे जो है वो ले। और लास्ट पॉइंट ये है कि जेलसी और जो एनवी करते हैं आपस में कुली, उनके बीच में जेलसी आ जाती है। जब सब एक ही लेवल पे होते हैं ना तब तक कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब इंक्रीमेंट्स हो जाते हैं ना तो उसके बाद सबको एक दूसरे की सैलरीज पूछने का जो है शौक होता है, यार तुम्हारी कितनी हुई, मेरी कितनी हुई, तो फिर ये प्रॉब्लम्स फिर आना शुरू हो जाती है। जब तक एक लेवल पे सब होते हैं ना कोई इशू नहीं होता, कहते हैं यार तू भी बराबर मैं भी बराबर, इक्वालिटी है। लेकिन जब लेवल्स बन जाते हैं ना हायरार्की के अंदर, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या सॉल्यूशंस हैं टू ओवरकम कि पॉलिटिक्स जो है आपकी जो भी हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाए? एक तो आप कभी भी इस टाइप के अंदर कोई भी टाइप की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके अंदर बी डिप्लोमेटिक, आउटराइट आप कोई भी हेस्टी डिसीजन ना ले, डोंट बी क्विक अबाउट डिसीजंस। आप सबको एक टेबल पे लेके जो है वो गैदर हो एंड ट्राई टू अचीव अ कॉमन गोल। ट्राई कि आप कोलैबोरेटिव हो, आप अपनी बात ना करें, कोई पर्सनल अटैक ना करें और उसके अंदर जो है सबको एक ही जगह पे विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें कि आपस में सारे जो है वो भाईचारा भी रहे और ऊपर वालों को भी मसला ना हो। इन दी एंड गोल एक ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी सुपीरियरिटी जो है वो कभी भी जो है वो गिरे नहीं और परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी हो और एम्प्लॉयज का भी गेन हो। अगर कोई भी विजन के अंदर ये चीज आ जाए कि जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाए और हमारा कोई पर्सनल गेन आ जाए तो वहां पे फिर वो शॉर्ट टर्म ही आपका होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म के अंदर आप ये चीज कर नहीं सकोगे, पकड़े जाओगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के अंदर काम करें और आपस में जो है यही एक स्पिरिट हो। और उसके अंदर फिर वही वाली चीज आ जाती है इस्लामिकली कि यू शुड प्रेफर फॉर योर ब्रदर व्हाट यू प्रेफर फॉर योरसेल्फ। सो यू शुड नेवर प्रेफर फॉर योर ब्रदर के आप उसकी कोई किट लगा के आप खुद आगे बढ़ जाएंगे या बैड माउथिंग उसकी करके या उसका लेग पुल करके आप आगे निकल जाओगे, बिकॉज यू गाइज आर ऑन द सेम लेवल एंड ओनली देयर इज वन प्रमोशन। तो ऑब्वियसली हर कोई आपस में कम्पीट कर रहा होता है, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमें जो है बिल्डअप करनी कोशिश करनी चाहिए। और जितने भी मैन्युपुलेटर्स होते हैं उनका यहाँ पे बड़ा क्रूशियल रोल होता है कि वो अपने रोल्स को अच्छा प्ले करें और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के मिशन और विजन को अलाइन।